हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे हम जिस पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं वो है मोहसिन शेख का, मोहसिन शेख। एंड यहाँ पे सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन 10 इयर्स का है इनका, 25,000 रुपीज़ की SIP चल रही है। तो बढ़िया बात है, आप बढ़िया अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड्स अगर देखें तो ICICI का सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, दूसरा बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, तो पहला हो गया इनका सुपर लार्ज कैप फंड जिसके अंदर में 30 स्टॉक्स होंगी क्योंकि सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है। उसके बाद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो यहाँ पे लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी कवर हो गई। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी इनकी कवर हो गई। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसमें स्मॉल कैप की कैटेगरी कवर हो गई, तो यहाँ पे इनका एक इंडेक्स फंड हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, एक स्मॉल कैप फंड हो गया, एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इसके अलावा इन्होंने ICICI का टेक्नोलॉजी फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है, बट जो नॉर्मल SIP इनकी चलती है उससे हाफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने ICICI के नेस्टेक 100 फंड में भी इन्वेस्ट किया है जिसके अंदर 2000 की SIP आई। मुझे अभी ध्यान में नहीं कि इसके अंदर में SIP अभी कंटिन्यू क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अभी बंद है, तो इसके अंदर में SIP मुझे लगता है स्टॉप की गई होगी। अगर नहीं की गई है तो थोड़े दिन में स्टॉप हो जाएगी। बट जो फंड्स सेलेक्टेड है यहाँ पे वो सारे ही बहुत बढ़िया फंड्स हैं। इसके अलावा PPF के अंदर भी 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो PPF के अंदर तो आपकी चॉइस, अब चाहे तो इन्वेस्ट करें चाहे तो ना करें। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे हम बात करें सबकी, तो ICICI का इंडेक्स फंड बेस्ट इन कैटेगरी नहीं है, बट इंडेक्स फंड के लिए ठीक है, बढ़िया है, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड अभी कर रहा है परफॉर्म। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड नो डाउट स्मॉल कैप की कैटेगरी में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। टेक्नोलॉजी ICICI का टेक्नोलॉजी फंड एंड डिजिटल इंडिया टाटा का जो फंड है, दोनों टेक फंड्स हैं और दोनों ही अपनी इस सेक्टर के बेहतरीन फंड्स हैं। तो बेहतरीन फंड आपने सेलेक्ट किया, बस ये हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ICICI का नेस्टेक 100 इंडेक्स फंड है, इसके अंदर में भी आपने कम 2000 की ही SIP है, तो इसके अंदर में आप चाहो तो SIP बढ़ा सकते हैं क्योंकि US में इसका इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका। एंड ये भी एक इंडेक्स फंड है, तो बड़े बड़े US के जो बिगेस्ट टेक कंपनीज है उसके अंदर आपका पैसा जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी, इसके इन्वेस्टमेंट को अगर आपके पास पैसा ज़्यादा बचता है आगे चल के, ज़्यादा आप सेव कर पाते हो, तो 2000 रुपये इसके अंदर भी आप बढ़ा सकते हो। इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप भी फंड नहीं है, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए एक स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। एक जो हाई रिटर्न एंड हाई वॉलेटिलिटी वाला पोर्टफोलियो होता है, उतना भी वॉलेटाइल ये पोर्टफोलियो नहीं होगा। ये पोर्टफोलियो को बहुत सारे लोग हैं जो इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, वैसा ये पोर्टफोलियो, क्योंकि जो ICICI का इंडेक्स फंड है सेंसेक्स का, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इसके अंदर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड प्रोवाइड करेगा और थोड़ा बहुत इसके अंदर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड जो यहाँ पे ICICI का नेस्टेक 100 इंडेक्स फंड है, ये भी थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये भी बिगेस्ट कंपनीज में, टेक कंपनीज में पैसा जाएगा इसका। और जो ग्रोथ की बात करते हैं तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ICICI का जो टेक फंड है, इवन एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, ये सारे फंड जो है इसको ग्रो कराएंगे, पोर्टफोलियो को ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया है। और अगर 25,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो अगर कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस टाइप का कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर में आप चाहे तो ICICI का सेंसेक्स फंड है जैसे, तो इसके जब आप HDFC का ले सकते हैं, कोई भी सेंसेक्स फंड ऐड कर, मतलब जो दूसरे लोग डिज़ाइन करना चाहते हैं, सो आपको इसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई नया डिज़ाइन करना चाहता है तो उसके लिए, जैसे ये नेस्टेक 100 इंडेक्स फंड है, तो ये कई सारे कंपनीज का आता है, इंडेक्स फंड है सेंसेक्स का, ये भी कई सारी कंपनीज का, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये भी कई सारी कंपनीज का आता है। तो ऐसे ही फंड्स आप चाहे तो दूसरे AMCs का भी, जो बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा आप कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग कहोगे कि इसके अंदर में इन्होंने एक ही AMC के तीन फंड्स रख लिए हैं, तो क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है आई थिंक 6 म्यूचुअल फंड्स का है, तो 3 फंड्स रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी वाला फंड है वो तो सेक्टोरल फंड है, वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम होती ही रहेगी, जब तक अच्छा चल रहा है सेक्टर तब तक ही इसमें। तो टोटल जो कोर पोर्टफोलियो के इनके फंड्स है वो टोटल 5 ही हो जाते हैं ICICI के टेक फंड को छोड़कर। तो आप कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो के साथ।